हेलो एवरीवन। और तो कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में भाई हम करने वाले हैं इनकी शेडिंग करेंगे बेसिकली। पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें हमने इनकी आउटलाइन की थी। आज हम इनकी शेडिंग करेंगे। तो मैं आपको वैसे बीच बीच में बताता रहूँगा कि कौन कौन सी हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं और कौन सी ग्रेडी कर रहे हैं, तो आप ऑब्ज़र्व करना और वीडियो एंजॉय करना। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने क्या करा था, इसकी आउटलाइन की थी। अब हम क्या करेंगे, एक बार आउटलाइन को थोड़ा और ज़्यादा मतलब डिफ़ाइन करेंगे, है ना। कुछ गलती वगैरह जो थी पहले स्ट्रोक में तो वही करेंगे, और जब हम शेडिंग करेंगे तो आपको लेयर चढ़ानी है। मतलब शेडिंग अगर आपको करनी है तो पहली बारी में क्या है कि एक बारी में पूरी शेडिंग नहीं होती, है ना। और ये हमारा जो है रेफरेंस है इसी के आधार पे। तो सबसे पहले हम सबसे जो लोअर ग्रेड है हमारा यानी कि HB का, हम उसी से स्टार्टिंग करेंगे। और रेफरेंस में जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क करेंगे, उसी के आधार पे हम आउटलाइन करते रहेंगे। हम धीरे धीरे अपने ग्रेड को बढ़ाते जाएंगे कि जैसे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने HB पेंसिल को यूज़ किया है, इसके बाद मैं एक बार 2H कर लूँगा, फिर HB कर लूँगा, है ना। वैसे डिपेंड करता है कि मुझे डार्कनेस कितनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि डार्कनेस मुझे ज़्यादा चाहिए होगी तो मैं इससे ज़्यादा जो हायर ग्रेड की पेंसिल होती हैं 6B 8B 10B, है ना, उनको यूज़ करूँगा। तो ये डिपेंड करता है आपका रेफरेंस कैसा है।